हेलो दोस्तों, निधि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी, बैंगन, आलू, सोयाबीन की मसालेदार सब्जी। चलिए इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम गोभी, आलू, बैंगन को अच्छी तरह से काट लेंगे और इसको पानी से हम वाश करके रख लेंगे। अब हम सोयाबीन को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि मेरा सोयाबीन सॉफ्ट हो जाए। अब हम एक ग्राइंडर में सरसों, लहसुन का पेस्ट तैयार करेंगे और इसको भी रख लेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हम गोभी को फ्राई करेंगे। हम गोभी को गोल्डन फ्राई करेंगे। गोभी फ्राई हो गया है, अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ऑयल गरम करेंगे। अब इसमें सोयाबीन ऐड करेंगे, इसको भी हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम बैंगन भी ऐड कर लेंगे ताकि मेरा सब्जी जल्दी पक जाए। हम दोनों को फ्राई कर लेंगे और इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बैंगन सोयाबीन भी फ्राई हो गया है। अब हम ऑयल गरम करेंगे, अपना आलू भी फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो गया है, अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल को। अब हम ऑयल गरम करेंगे, इसमें हरी मिर्च, लहसुन की पत्तियाँ ऐड करेंगे। अब हम सरसों का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम टमाटर चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर 2 चम्मच ऐड करेंगे। अब हम नमक 3 चम्मच ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम गरम मसाला 1 चम्मच ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। हम 10-15 मिनट मसाला को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें हम आलू को ऐड करेंगे। अब हम इसमें गोभी, सोयाबीन, बैंगन सबको हम ऐड कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें माय यूट्यूब चैनल को। मसाला लगभग पक गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे और खूब बढ़िया से मसाला फ्राई, गोल्डन फ्राई करेंगे। मसाला लगभग तैयार हो गया है। अब इसमें फिर हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और 10 मिनट तक इसको हम उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं सब्जी में उबाल आ गया। आप ये सब्जी खाइएगा तो मछली खाना भूल जाइएगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।